ग्वालियर मुरार स्थित जिला अस्पताल में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मरीज के साथ आए परिजनों ने एक टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप राजौरिया के साथ मारपीट कर दी। यह मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक अटेंडर ने डॉक्टर दिलीप राजौरिया के सिर में पत्थर मार दिया जिससे उनका सिर फट गया। उन्हें टांके आए हैं। घटना के बाद मरीज और उनके साथ आए लोगों को वहां मौजूद स्टाफ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चिकित्सक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर काम छोड़कर मुरार थाने पहुंच गए। पुलिस ने डॉक्टरों को हर संभव सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। विवाद का कारण चेस्ट फिजिशियन को दिखाने गए मरीज को टीवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजौरिया ने दूसरे चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी थी। इसी पर विवाद शुरू हुआ था। डॉक्टर दिलीप राजौरिया, क्या कुछ विवाद हुआ है? विवाद ये हुआ था कि मैं 108 नंबर ओपीडी में बैठ के अपने मरीज देख रहा था। मैं टीवी चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास ये मरीज आता है और अपनी पत्नी के साथ में आया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या बीमारी है, तो बताता है घबराहट बेचैनी है। तो पत्नी उनकी कहती है इन्होंने कल शराब मराब पी रखी थी, तो मैंने कहा एक बार इनको मेडिसिन डिपार्टमेंट में चेकअप करा लीजिए 105 नंबर में, उसके बाद मेरे पास दिखा लेना। इतना कहने पर वो भड़क जाता है और वहाँ पे गाली गलौज करने लग जाता है। जब मैं उसका विरोध करता हूँ तो वही कह के चला जाता है अभी मैं थोड़ी देर से आके आपको देखता हूँ। जब मेरे को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मैं मरीज देख रहा हूँ, बिजी हो गया। उसके बाद ये बाहर से कुछ हथियार या पत्थर या कुछ लेके आता है और मैं नीचे देख रहा था झुक के, ये सामने से आके मेरे सिर में चोट मारता है जिससे कि मेरे सेट में काफ़ी गंभीर चोट हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ और 4-5 लोग और आ जाते हैं साथ में मारपीट करने लग जाते हैं। भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों का इस तरह का हमला आप मानते हैं कि नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस तरीके से अगर ये हमले होंगे तो फिर हम लोग भी कैसे इलाज करेंगे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? वो इनमें 3-4 लोग थे और उनके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। जिसका नाम था, जिसको मैं देख रहा था, इसरार उसका नाम है। बाकी साथ में भी थे उसके 3-4 लोग। हाँ, पकड़ लिए गए। 3 लोग बता रहे हैं। घटना ये है कि यहाँ पे कुछ लोग उपद्रवी तत्व अक्सर आते रहते हैं और डॉक्टर से अभद्रता तो करते ही हैं, लेकिन आज तो हद तब हो गई कि हमारे एक डॉक्टर ने, दिलीप राजौरिया ने, उनसे कहा कि भाई ये आप मेडिकल संबंधी केस है और मैं टीवी स्पेशलिस्ट हूँ, बगल के 109 नंबर में दिखा दीजिए। तो वो इतने उग्र हो गया कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आके डॉक्टरों के साथ मारपीट की, पत्थर मारा, जो कि घटना है। इसके सभी निंदा करते हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटना है, मरीज दिखाने आए था, मरीज ने जो है ना डॉक्टर साहब के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट की है, पत्थर से सिर में चोट भी आई है, खून आए हैं, टाँके आए हैं उनको और उनकी MLC हो रही है और उनको ज़्यादा चोट हो आ गई। हमारे डॉक्टर दिलीप राजौरिया जी के ऊपर हमला किया है अटेंडर ने, मरीज ने। सर, भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों पे अगर इस तरह के हमले होंगे तो पुलिस चौकी की स्थापना की गई, कैसे कार्रवाई? बिल्कुल सही बात है, पुलिस चौकी पे किसी कारणवश वहाँ पर कोई कांस्टेबल या पुलिस का विभाग, पुलिस चौकी पर कोई पुलिस विभाग का व्यक्ति नहीं था और पुलिस चौकी निश्चित है, कैमरे भी लगे हुए हैं लोगों में, फिर भी इतनी उद्दंडता है कि वो डॉक्टर जो काम कर रहा है, लगातार मरीज देख रहा है, लगातार उनकी सेवा कर रहा है, फिर भी उसे हमला करते हैं, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अभी आप थाने पर बैठे हैं, सभी डॉक्टर हैं और अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, ना थाना प्रभारी है? नहीं, थाना प्रभारी अभी VIP ड्यूटी में है। मेरी बात कलेक्टर मैडम से भी हो गई है, मेरी बात SP साहब से भी हो गई है, मेरी बात अभी थाना प्रभारी से भी हो गई है, मेरी सभी से बात हो गई है और सभी लोग डॉक्टरों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। कुल कितने कौन आरोपी हैं और क्या कितने पकड़े गए हैं अभी? वो आरोपी अभी जो 2-3 आरोपी बताए हैं इन्होंने, 3-4 तो पकड़े गए हैं, बाकी की और 2-3 के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम किया है। वो पूरी रिपोर्ट अभी मैंने देखी नहीं है, मैं बताऊँ आगे से इस तरह की घटना ना हो, आगे से इस तरह की घटना नहीं हो, इसी बात पर जोर दे रहे हैं। हमारे मैडम कलेक्टर ने भी और SP साहब ने यही कहा है कि दोषी को हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दंडित कराएंगे उसको, जिससे कि समाज में जाए कि अगर मान लो कोई डॉक्टर के ऊपर हमला करता है तो वो छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पर मुरार अस्पताल में पेशेंट आए थे दिखाने के लिए कुछ लोग, तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पर थे, पेशेंट लोगों ने उन लोगों के साथ में बदतमीजी करी और
उनको है ना कोई उनके हाथ में कोई पत्थर वत्थर था उससे वो करिए, उसमें FIR की गई है और सबकी गिरफ्तारी कर रहे हैं।